जी, तो हम मेजरमेंट के एक और लेक्चर के साथ हाजिर है। आज हमने मेजरमेंट का दूसरा एक और लेक्चर पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर। अभी हम फिजिक्स की बेसिक्स को सीख रहे हैं और इस बेसिक्स में आगे हमारे पास आ गई हैं साइंटिफिक नोटेशंस। फिजिक्स में साइंटिफिक नोटेशंस की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि हमें बहुत छोटी और बहुत बड़ी क्वान्टिटीज़ को 10 की पावर्स में लिखना होता है। तो आप देखें, इट इज़ अ मैथड इन विच द मेम्बर्स आर एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर्स आर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन लाइक अ पावर ऑफ 10। हाउ, ये आप देख सकते हैं डेका। तो डेका इसका सिंबल जो है डी ए है, और डेका 10 की पावर 1 के बराबर होता है, यानी ये 10 है। और आपको इसका सारा आगे नज़र आता रहेगा। आप देख सकते हैं डेका, हेक्टो, मेगा और गीगा, टेरा, पीटा, एग्जा, ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो और इनके इंग्लिश नेम भी आगे लिखे हुए हैं, और 10 की पावर में ये किसके बराबर है और इनकी सिंबल क्या है वो भी लिखी हुई है। तो ये बड़ा अहम मामला है इसमें। और ये अभी 10 की पावर पॉजिटिव थी, ये वाली 10 की पावर नेगेटिव है। डेसा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, तो ये भी आप देख सकते हैं इनके सिंबल और 10 की पावर्स, और साथ इनके इनका इंग्लिश नेम भी लिखा हुआ है। एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। द एरर इन द मेजरमेंट में अकर ड्यू टू, किस वजह से हो सकते हैं, इन एक्सपीरियंस ऑफ नेग्लिजिबल नेग्लिजेंस ऑफ ए पर्सन, यानी जो मेजरमेंट कर रहा है, जो भी वर्कर काम कर रहा है, उसको हो सकता है कि एक्सपीरियंस ना हो कैलकुलेशन का, या वो नेग्लिजेंस दिखाए। इम्प्रॉपर मेथड, बाज़ दफ़ा मेथड भी इम्प्रॉपर होते हैं मेजरमेंट्स के, तो हमें जो है फैकल्टी ऑपरेटर फॉल्टी ऑपरेटर्स फॉल्टी हो सकता है उसमें कोई फॉल्ट हो आपको पता ना लगे। टाइप्स ऑफ एरर, तो कितनी टाइप्स की हो सकती हैं रैंडम एरर हमारे पास। रैंडम एरर क्या है, व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यू अंडर द सेम कंडीशन। एक ही रूम में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आप एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, हर ऑब्जर्वेशन में वैल्यू ही चेंज हो जाती है, तो इसका मतलब ये रैंडम एरर है। नेक्स्ट हमारे पास, दीज एरर्स अकर ड्यू टू सम अननोन रीजन, कोई अननोन रीजन भी हो सकती है। हो सकता है कि आप एक्सपेरिमेंट ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे आपको पता नहीं लग रहा और आपने फैन वगैरह ऑन किए हुए हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। आपको टेम्परेचर मॉडरेट चाहिए, आपने एसी ऑन किए हुए हैं, कूलिंग ज़्यादा हो गई, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट, दिस एरर कैन रिड्यूस बाय टेकिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ द सेवरल रीडिंग्स। तो फिर हमें सेवरल रीडिंग्स लेके इसको मिनिमाइज करने का तरीका यह है कि उनकी एवरेज कर लें, ठीक है जी। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक एरर, तो सिस्टमैटिक एरर क्या है, द एरर रेफर्स टू द इफेक्ट विच इन्फ्लुएंस द इक्वली ऑल मेजरमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर क्वांटिटी। अब ये क्योंकि सेम एरर हर बार आएगा, हर बार इसका मतलब है आपका इंस्ट्रूमेंट शायद फॉल्टी हो, तो ये सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टम की एरर है, क्योंकि सिस्टम ही हमारा ठीक नहीं है। दिस एरर अकर्स ड्यू टू फॉल्ट इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये इसलिए बार बार सेम एरर आता है। और दिस एरर कैन बी रिड्यूस बाय कंपेयरिंग द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट विद मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट बाय टेकिंग द जीरो करेक्शन। तो इनके ये हमने मेथड भी साथ दे दिए। तो पर्सनल एरर एक पर्सन की नेग्लिजेंस की वजह से, अभी मैंने जैसा कि बोला भी। एब्सोल्यूट एरर, इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रोप्रिएट वैल्यू लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू को मेजर करने का, उसको दूर करने का तरीका भी आ जाएगा। परसेंटेज एरर, इट इज द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पर सेंट, यानी सोवा हिस्सा। परसेंटेज एरर इज इक्वल रिलेटिव एरर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। और इस तरह फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर होती क्या है वो भी पता होना चाहिए। इट इज द एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू। तो यही इसका मेथड है कि आप इसको जो मेजर्ड वैल्यू है एब्सोल्यूट एरर की, एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करते हैं उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू से, यानी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, जो असल वैल्यू होगी, उससे एरर को डिवाइड कर दिया जाएगा।
ये रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्चुअल एरर, ये इसका फार्मूला बन गया। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इज द क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबिलिटी इन द डाटा, यानी डाटा में जो वेरिएशन आती है उसको अनसर्टेनिटी कहते हैं। अनसर्टेनिटी इन द साइंस रेफर्स टू द आइडिया दैट ऑल द डाटा हैव अ रेंज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज एज अपोज टू द प्रिसाइज पॉइंट वैल्यू। क्या मतलब है कि हमें ऑलरेडी मेजरमेंट जो हम वैल्यू कर रहे होते हैं उसका कुछ अंदाजा होता है कि कितनी आएगी, लेकिन वो उतनी नहीं आ रही, तो उसका मतलब कहीं ना कोई अनसर्टेनिटी है। आप फर्ज कर लें आप वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट कर रहे हैं बाई हैंगिंग स्प्रिंग मेथड से। अब वैल्यू ऑफ जी हमें पता है 9.8 है, लेकिन वो 9.8 आ नहीं रही, तो ये अनसर्टेनिटी होगी मेजर्ड वैल्यू में। दिस अनसर्टेनिटी कैन बी कैटेगराइज इन टू टाइप, प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी है क्या? अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एक प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है जिसमें कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो, और ये डिपेंड करती है लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे। जितना लीस्ट काउंट छोटा होगा उतना आला ज्यादा प्रिसाइज होगा, उतना डिवाइस ज्यादा प्रिसाइज होगा। मतलब माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर्स में माइक्रोमीटर ज्यादा प्रिसाइज है और लेस प्रिसाइज है वर्नियर। एक्यूरेसी, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन विच हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एक्यूरेसी मेजरमेंट डिपेंड अपॉन द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब इसको हम परसेंटेज में करके कैलकुलेट कर लेते हैं, तो लेस प्रिसाइज मोर एक्यूरेट। बहुत सारी बुक में मैंने इसको रेड करके इसलिए लिखा है कि बहुत सारी बुक में ये लिखा हुआ है कि जो स्टेटमेंट बहुत लेस प्रिसाइज होगी वो मोर एक्यूरेट होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस लीस्ट काउंट। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो लीस्ट काउंट मेजरमेंट टेकन, जो मेजरमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं इस डायग्राम को, ये जो मैंने साइड में एक पिक्चर लगाई हुई है, ये देखिए ये एक डार्ट बोर्ड की एग्जांपल है। फर्ज कर लें आपने चार निशाने लगाए, चारों इस पीले निशान में लग गए, चारों के चारों इस पीले निशान में लग गए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ये वाली मेजरमेंट हमारी प्रिसाइज भी हो गई और एक्यूरेट भी हो गई। लेकिन अगर निशाने ऐसे लगे कि वो पीले जो डॉट था उसके इर्द गिर्द लगे, तो ये एक्यूरेट है नॉट प्रिसाइज, यानी हमारे टारगेट के गिर्द गिर्द तो है, तो एक्यूरेसी तो आ गई लेकिन प्रिसीजन नहीं आई, वो एग्जैक्ट नहीं लगे। अब चारों पीले निशान के बाहर लग गए, ये लग गए, अब क्या हुआ, पीले निशान से दूर चले गए ना, मारने पीले निशान में थे चारों के चारों डॉट, तो फिर हुआ क्या, अब ये सबके सब प्रिसाइज तो हैं लेकिन एक्यूरेट ना हुए, और इसी तरह ये चारों इस तरह लग गए, तो ये ना एक्यूरेट हैं और ना प्रिसाइज हैं, तो ये मेजरमेंट इस तरह हो गई हमारे पास। तो ये एग्जांपल बेहतरीन है इसको समझने के लिए। और ये एक और फार्मूला है इसका, देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट मेजरमेंट टेकन मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकल आएगी जिसपे एक्यूरेसी डिपेंड करती है। असेसमेंट ऑफ टोटल एडिशन के लिए क्या, एडिशन और सब इन दिस केस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, एक एक्स वन है एक एक्स टू है, आप दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इनकी अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड ही होंगी। देखें इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है 0.1, तो एक्स वन में भी 0.1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया लेकिन अनसर्टेनिटी ऐड हो गई, अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड ही होगी। तो इस तरह ये आपको, अब मल्टीप्लिकेशन में आप देखें इन दिस केस परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। अब रेजिस्टेंस निकालनी है फर्ज कर लें, तो वोल्टेज की वैल्यू में 0.1 वोल्ट अनसर्टेनिटी है और करंट की वैल्यू में 0.05 एम्पेयर, तो हम क्या करेंगे ये देखें, पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, इसकी अनसर्टेनिटी को, इसकी अनसर्टेनिटी को भी परसेंटेज में कन्वर्ट किया। अब दोनों को जब रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी लेनी है तो वोल्टेज और करंट से मिलकर रेजिस्टेंस बनती है ना, वोल्टेज और करंट से मिलकर बनती है अनसर्टेनिटी, तो फिर हम इन दोनों की अनसर्टेनिटी को ऐड कर देंगे ऐसे, तो ये 8% अनसर्ट। अब ये आर, अब हमने निकाल लिया ये करंट, ये देखें यहां से रेजिस्टेंस निकाल ली लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू है, अब इसमें अनसर्टेनिटी ऐड कर देंगे, तो ये देखें लीस्ट काउंट 0.5 ओम था, तो ये 0.0 प्लस 5 ओम
अनसर्टेनिटी भी ऐड कर दी। तो पावर फैक्टर क्या था, फॉर द पावर फैक्टर वी मल्टीप्लाइड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर, यानी रेजिस्टेंस है, अभी हमने एग्जांपल ली, या आप एरिया ले रहे हैं तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, आर इसमें रेडियस होता है, तो जो रेडियस की पावर होगी उससे हम अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में रेडियस की वैल्यू आर क्यूब है, तो ये क्यूब का मतलब पावर 3 है, तो इसमें जो अनसर्टेनिटी आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ये देखें, देन परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम 3, ये 3 ये वाला क्यूब वाला है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, तो ये इस तरह हम इसको ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट की, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसमें कितनी निकली, 0.4%, इसको हमने 3 से यानी उसकी पावर से मल्टीप्लाई किया तो ये 1.2 हो गई, और ये वॉल्यूम में पाई आर क्यूब हमने अनसर्टेनिटी को ऐड कर दिया, तो ये आप देख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये वैल्यू हमारे पास प्रॉपर निकल आई। फॉर सर्टन अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स, अब बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स अगर आपने ली तो ये देखें, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू, जी आपके पास 5-7 वैल्यूज थी जैसा कि ये नीचे दिखाई गई हैं, तो हम सबसे पहले तो इनकी एवरेज लेंगे, फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू। अब ये देखिए 1.20 है, ये 1.23 है, ये 1.19 है, तो ये डेविएशन है, इन डेविएशन को अलग कर लेंगे, मीन डेविएशन निकाल लेंगे उसकी। ये देखें जी, पहले तो इनकी एवरेज ले ली, फिर नाउ सबट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम ईच मीन, तो ये डिफरेंस था, ये डेविएशन थी तमाम वैल्यूज में, ये वाली, तो इन डेविएशन की भी एवरेज ले ली, ये आ गई, और अब फाइनल रिजल्ट में इसको ऐड कर दिया, ये देखें तो ये बन गया। अच्छा, टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट फॉर द अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, अगर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे ठीक है, तो क्या करेंगे, वाइब्रेटिंग द बॉडी डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ टाइमिंग डिवाइस बाय द नंबर ऑफ वेरिएशन, यानी जितनी आप नंबर ऑफ वेरिएशन लेंगे उसके हिसाब से उसकी अनसर्टेनिटी आप कैलकुलेट करेंगे। देखें मतलब आप टाइम पीरियड निकाल रहे हैं सिंपल पेंडुलम का, आपने 30 वाइब्रेशन के लिए टाइम नोट किया है और वो है 54.6 सेकेंड, देन टाइम पीरियड क्या होगा, ये देखें 30, अब 30 वाइब्रेशन थी ना और 54 सेकेंड थे, तो 54.6 और 30 से डिवाइड कर दिया, तो ये अनसर्टेनिटी निकल आई उसकी विद अनसर्टेनिटी। अब ये वाली अनसर्टेनिटी थी उसके जितने भी रिजल्ट लिए हमने उसमें, तो ये 0.03 हो गई, तो ये हैंस द टाइम पीरियड विद अनसर्टेनिटी, ये टाइम पीरियड निकला और ये अनसर्टेनिटी निकल आई। तो ये इसका था, आज हमने सीखा कि अनसर्टेनिटीज़ को कैसे डील करते हैं, एरर्स को कैसे डील करते हैं, और हम इनको कैसे अपनी साइंटिफिक नोटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी फिजिक्स में आगे चलेगा, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान के साथ समझना होगा आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए।